इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल सरकार ने मंगलवार को 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद करने की जानकारी दी है। इन नंबर पर एक्शन उनके संदिग्ध अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर की गई है। दरअसल मंगलवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग विभाग और मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद बढ़ते हुए डिजिटल फ्रॉड या फिर कहें कि साइबर फ्रॉड को रोकना है। इस मीटिंग में वित्त मंत्रालय के ऑफिसर्स, NPCI, RBI और कई लोग शामिल रहे। मीटिंग के दौरान वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बैंक से कहा कि उन्हें एक मजबूत सिस्टम तैयार करना होगा ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके। इस मीटिंग के दौरान आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को लेकर भी जिक्र किया गया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि राज्य इस मामले को देखे और डेटा प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करे। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से यूजर्स अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साइबर फ्रॉड से खुद को सेफ रख सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आधार बेस्ड फर्जी ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दें। आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको अपने नंबर से OTP को एंटर करना होगा। इसके बाद डैशबोर्ड पर बायोमेट्रिक लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नंबर 2, आधार बेस्ड साइबर फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को हमेशा अप टू डेट रखें। अगर नंबर बदल गया है तो नए नंबर को आधार के साथ लिंक जरूर कराएं। नंबर 3, आधार संबंधित साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जरूरी है कि यूजर्स हमेशा आधार कार्ड के यूजर्स की हिस्ट्री को चेक करें। इसके लिए आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। नंबर 4, आधार कार्ड पर डिटेल अपडेट करने के लिए जरूरी है कि आप UIDAI के साथ रजिस्टर्ड एजेंसी के पास ही जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक शेयर ना करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।